बात करेंगे। बीजापुर में आईईडी विस्फोट में एक जवान घायल हो गया है। नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था, इसके विस्फोट इसके चपेट में आने से जवान घायल हुआ। घायल जवान डीआरजी का है, लच्छू कड़ती। नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आकर जख्मी हो गए हैं, इलाज उनका जारी है। नेशनल पार्क एरिया में सर्चिंग चल रही थी, उसी दौरान ये विस्फोट हुआ। छिंदवाड़ा के शहीद कबीर उइके ने देशवासियों को गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका तो दे दिया और देश ने भी उन्हें नम आंखों से विदा किया। परिवार में बाकी सब ने उनकी शहादत को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी पत्नी ये मानने को तैयार नहीं। कैसे मान ले ममता, क्यों मान ले ममता, कैसे तोड़ दे अपनी चूड़ियां, कैसे गले और माथे को सूना कर दे। कैसे नियति के निष्ठुर प्रहार को जीत जाने दे, कैसे अर्धांगिनी अपने सुहाग को जाने दे, कैसे सुहागिन की देहरी से वैधव्य की कोठरी में समा जाए, कैसे अपने अरमानों की बलि चढ़ाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सैदा सुखल गांव में ममता का सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन ममता उइके मानने को तैयार नहीं। करंदन रुदन के बीच उसे लग रहा है कि उसका कबीर बस अभी अस्पताल से ठीक होकर आएगा, उसे गले लगाएगा, भींच लेगा। ममता की हालत देखकर पत्थर रोने लगे तो फिर डीआईजी नीतू सिंह की आंखें क्यों ना नम होती। वो आई तो परिवार को समझाने के लिए थी, लेकिन ममता की हालत ने कठोर वर्दी के अंदर के कलेजे को हिलाकर रख दिया। सब ठीक है, इलाज चल रहा है ना? मंगलवार को घायल कबीर उइके ने बुधवार सुबह दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा की बिछुआ तहसील के पुलपुल डोह के रहने वाले 35 साल के कबीर ने 2011 में सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। इस छोटी सी उम्र में भारत की जिस जमीन की रक्षा करते करते शहादत दी, उसी जमीन ने जिंदगी खत्म होने के बाद कबीर को अपनी गोद में सुला लिया। खेत में ही कबीर को दफनाया गया। ममता को पूरा परिवार समझाने की कोशिश कर रहा है और ममता अपने कबीर को बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं हुआ, इसमें रट नहीं है। एक पत्नी का आखिरी प्रयास है मौत को धकेल कर अपने सुहाग को लौटा लाने का, और हो भी क्यों ना। अभी 4 साल पहले तो 7 जन्मों के फेर में पिता का आंगन छोड़कर कबीर के साथ इस घर में आई थी ममता। अभी 2020 में ही तो एसआई बनने के बाद नौकरी नहीं ज्वाइन की। अभी 8 दिन पहले ही तो हंसते चेहरे और रुंधे हुए गले के साथ विदा करते हुए कहा था, अगली बार आओ तो ये जरूर लाना, वो जरूर लाना। अभी कुछ ही दिनों में तो आने वाला था कबीर भोपाल में पोस्टिंग के लिए, और ये सब कह रहे हैं कबीर नहीं आएगा। कबीर की शहादत को सलाम है और ममता की जिद को
बारंबार प्रणाम है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक तरफ उत्तर भारत और दूसरे इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं सिक्किम में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं अमेरिका में भी कई शहरों में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। सिक्किम भारी बारिश की मार झेल रहा है, कई जगहों पर भूस्खलन होने से मुसीबत बढ़ गई है। कई रास्तों का संपर्क आपस में टूट गया है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जमीन खिसकने से तबाही मच गई। सिक्किम के मंगन इलाके में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। बारिश आफत लेकर आई, एक जगह पर तो पुल बहता हुआ दिखाई दिया। लोग खड़े खड़े अपनी आंखों के सामने बर्बादी की तस्वीर देखते रहे। पुल का एक हिस्सा बारिश की वजह से बह गया। जमीन खिसकने की घटना मंगन के अलावा दूसरे कई इलाकों में भी हुई। कई जगहों पर सड़कें बह गई, जिसमें सैलानी भी फंस गए। तीस्ता नदी में पानी का लेवल बढ़ने से आसपास के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कई घर, यहां तक कि गाड़ियां भी तबाह हो गई। तीस्ता नदी का पानी बढ़ने से नदी के किनारे बने कई मकान उसकी चपेट में आ गए। पानी ने कई घरों को अपने आगोश में ले लिया। सिक्किम का मंगन शहर तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए बारिश के बाद यहीं ज्यादा नुकसान हुआ। सिक्किम में बारिश का असर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी देखने को मिला। सिक्किम में कुछ लोगों की मौत की खबर है, तो कई लोग लापता भी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अम्बिथांग में 3 लोग लापता हो गए। प्रक्षेप में 1 शव मिला, तो वहीं 2 लोग लापता हैं। इसी तरह गेथांग में 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तीस्ता नदी के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। SDRF की टीम को राहत और बचाव के लिए लगाया गया है। वहीं अमेरिका में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फ्लोरिडा में बारिश के बाद शहर के शहर पानी की चपेट में आ गए। सड़कों पर चल रही गाड़ियां आधे पानी में डूबी हुई नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक फ्लोरिडा पर कुदरत की ये मार आगे भी जारी रह सकती है। अगले 3 दिन फ्लोरिडा में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इस वक्त अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आज से फ्लोरिडा में भी मैच होने हैं, लेकिन बारिश की वजह से 3 मैचों पर खतरा मंडराने लगा है। कल भारत और कनाडा का मैच भी फ्लोरिडा में ही होना है, लेकिन बारिश खेल खराब कर सकती है। इस तरह के मौसम की शुरुआत को हरिकेन सीजन कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह का फ्लैश फ्लड जलवायु परिवर्तन का नतीजा है और फ्लोरिडा में ऐसी बाढ़ लोगों ने पहले नहीं देखी। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश चिली में तूफान की वजह से हालात खराब हो गए। बारिश और तूफान की वजह से कई घर चपेट में आए। एक घर तो हवा में उड़ता दिखाई दिया। पहाड़ी पर बना घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़ आ गई। सड़कों पर पानी घुटनों तक भरा हुआ है। सड़कें तो पूरी तरह गायब हो गई हैं। कई घर पानी में डूबे हुए हैं। राहत और बचाव टीम रेस्क्यू का काम कर रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नाव की मदद से लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि बाढ़ की वजह से 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। चिली की राजधानी सेंटियागो समेत दूसरे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।